अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्जीरिया के पैसिफिकेशन की, या फिर फ्रांस ने जब अल्जीरिया को जीता, अल्जीरिया फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रांस और इंग्लैंड आई मीन ब्रिटिश, ये दो ऐसे एम्पायर थे जहां सूरज कभी डूबता नहीं था, ठीक है। हालांकि फ्रांस से ही डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फैली है, कैसे अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल हम अल्जीरिया की बात करेंगे, ये जेनोसाइड सीरीज का पार्ट है। अल्जीरिया में जो लोगों का नरसंहार हुआ, जो लोगों को मारा फ्रांसीसियों ने, ट्राइब्स की ट्राइब्स मिटा दी यहां पे, तो हम देखेंगे वो कैसे हुआ, और अल्जीरियन जेनोसाइड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आज हम पैसिफिकेशन ऑफ अल्जीरिया, यानी कि अल्जीरिया को कैसे अपने कब्जे में फ्रांस ने लिया, उसकी बात करेंगे, और अल्जीरिया के बारे में भी जानेंगे, इतिहास के बारे में भी जानेंगे। आपको पता ही है कि जब भी मैं जेनोसाइड सीरीज कवर करता हूं, जिस देश के बारे में बता रहा हूं उसका इतिहास और फिर पूरा बैकग्राउंड बताते हुए चलता हूं, तो ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिरनस को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, अपने नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप देख लीजिए अल्जीरिया कहां पे है, ये अफ्रीका में है, समझ रहे हैं ना, अफ्रीका में है अल्जीरिया, और अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। वैसे तो अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे पहले पे तो एशिया ही है, आपको पता ही है। तो अगर अल्जीरिया की बात करें तो ये 2011 के बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा देश बना है, क्योंकि 2011 से पहले सूडान था, लेकिन वहां से साउथ सूडान अलग हो गया, तो 2011 के बाद से अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अल्जीरिया की पॉपुलेशन, इतना बड़ा देश है, खाली 4 करोड़ लोग रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है ये, ठीक है, यहां का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है, लेकिन जो अल्जीरिया में 90% पॉपुलेशन है, ठीक है, 3.5 करोड़ लोग खाली इसी जगह पे रहते हैं, बस ये जो कोस्टल एरिया दिख रहा है बस यहां पे ही, ठीक है। और अल्जीरिया की कैपिटल भी आपको यहां पे अल्जीयर्स दिख जाएगी, ठीक है। फिर एक कॉन्स्टेंटीन की बात अभी हम इस लेक्चर में भी करेंगे, और ये ओरान, तो ये सब आप देख सकते हैं ना, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर यहां पे कोस्ट में ही स्थित है। जाहिर सी बात है बिजनेस सब कोस्ट पे ही होता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो कोस्ट से ही होता है, लेकिन इसका एक और रीजन है। अब देखिए आपको सारे इंपॉर्टेंट शहर ये इधर पे नॉर्थ साइड में ही दिखेंगे, साउथ में कुछ नहीं है। क्या बता सकते हैं साउथ में क्यों कुछ नहीं है? अरे भैया ये पूरा सहारा डेजर्ट है, मोरक्को को छोड़ दीजिए, तो ये जो पूरा एरिया है ना, इधर माली, नाइगर, इधर चैड हो गया, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब सहारा डेजर्ट कवर करता है। तो भैया नॉर्थ अफ्रीका में आपको सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा डेजर्ट, तो सहारा में कौन रहेगा? इतनी गर्मी होती है, लोग रहते हैं वहां पे, ऐसी बात नहीं है, मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, वो बियर गर्ल्स हर जगह निकल जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इतना अल्जीरिया का 80% एरिया सहारा डेजर्ट कवर करता है, तो लोग कोस्ट पे ही रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, समझे? तो ये चीज है, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि इसको मागरेब रीजन भी बोला जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा छोड़िए हम डिवीजन पे नहीं जाते इतना, ठीक है, बेकार में। फिलहाल इसको मागरेब रीजन में क्या क्या आता था ये आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। पहले आता था अल्जीरिया, ठीक है, टूनिशिया, मोरिटोना और मोरक्को, मोरिटेनिया, ठीक है, इसका ये जो नाम है आप देखिएगा, ठीक है। तो ये 4 रीजन्स को हम मागरेब रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्जीरिया जो है वो मागरेब रीजन का भी पार्ट था, ठीक है। और ये जो ओरान, फिर से मैं बता देता हूं, ये ओरान और ये कॉन्स्टेंटीन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि कैपिटल अल्जीयर्स है यहां पे, लेकिन कॉन्स्टेंटीन और ओरान के लिए लड़ाई छिड़ी थी, ठीक है। और ये जो पूरा जेनोसाइड हुआ था, फ्रांस ने इन शहरों पे सबसे पहले कब्जा जमाया था, और उसके बाद पूरे अल्जीरिया पे इन्होंने कब्जा जमा लिया, हालत खराब कर दी। तो ये सब क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं कि क्या हुआ था, बैकग्राउंड देखते हैं। देखो होता क्या है कि सरकार जो है, ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई खतरा लगेगा, ठीक है, मंडरा रहा है उनके ऊपर खतरा, तो वो लोगों का दिमाग जो है वो डाइवर्ट कर देती हैं। फ्रांस की सरकार ने भी यही किया। दुनिया में एक ऐसा इवेंट आया जहां से डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फैल गई, समझ रहे हैं, आई मीन दो ऐसे इवेंट, एक तो अमेरिका का बनना, अमेरिका की आजादी, ठीक है, 1776 में, उसी दौरान 1789 में फ्रांस का रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये दो ऐसे इंसिडेंट हैं। पहले राजा और चर्चेस की सत्ता होती थी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले राजाओं की सत्ता होती थी, बाद में जब क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ तो चर्चेस की सत्ता आई, चर्चेस ने सब अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद जब राजाओं को यह लगा कि ये चर्चेस जो है वो सब कुछ कंट्रोल में, मैं तो खाली एक
पपेट हो गया हूं, कुछ नहीं मुझे मिलता है। तो राजाओं ने दोबारा से बाउंड्रीज ड्रॉन की और अपनी सत्ता वापस काबिज की। लेकिन जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस आया, ठीक है, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्पेशली मैं बात करूंगा, तो यहां पे लोगों को ताकत दे दो, लोगों के हिसाब से सत्ता चलेगी। और अब जो मोनार्की आपने इतने दिन से जो मोनार्की हम देख रहे हैं, ये हटाओ और अब लोगों का यहां पे राज होगा। अब इसका अल्जीरिया से क्या लेना देना है? देखिए 1789 से हम देख रहे हैं अल्जीरिया से भर भर के गेहूं लिए थे फ्रांस ने, ठीक है, जो कृषि मदद है वो फ्रांस अल्जीरिया से लाती थी। अब हुआ क्या, कहानी आगे बढ़ती है। 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस में प्रॉब्लम, 10 साल में ये रेवोल्यूशन कोलैप्स कर जाता है। लेकिन रेवोल्यूशन, क्रांति कोलैप्स कर गई, नेपोलियन आ गया, वो राजा हो गया, लेकिन यहां पे जो आइडिया है वो कोलैप्स नहीं किया। फ्रांस में अब आइडिया फैल गया था। अब एक बार अगर कहते हैं ना कि अगर एक बार आपको आजादी का चस्का लग गया, एक बार एक इंसान है, आप उसको पूरी जिंदगी, मतलब आप उसको दबा के रखते हैं, आप घर में रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने अगर दुनिया देख ली, आपने मॉडर्न वर्ल्ड, आप बहुत दबे कुचले हैं और घर पे रह रहे हैं, आपने कुछ नहीं देखा है, ठीक है, खाली 1 किलोमीटर में आपका दायरा सीमित है। लेकिन एक बार अगर आप बाहर चले गए, आप क्लब्स गए, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप दुनिया घूम रहे हैं, और उसके बाद दोबारा अगर आपको वापस दबाने की कोशिश की जाए तो बहुत मुश्किल है। एक बार डरी सहमी दुल्हन बाहर निकल गई तो वापस उसको बेड़ियों में नहीं बांध सकते। तो फ्रांस में भी यही हुआ था, वहां के लोगों ने अब आजादी चख ली थी। और जब नेपोलियन का मतलब अंत हुआ, ठीक है, आई मीन जब नेपोलियन 1815 में नेपोलियन खत्म होता है, तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस में दोबारा मोनार्की स्टैब्लिश करने की बात चली, कि दोबारा मोनार्की लेके आओ। लेकिन अब लोगों को पता चल गया था, लोगों ने तो आजादी देख ली थी, लोगों ने तो क्रांति का स्वाद चख लिया था, तो अब लोगों को बहुत मुश्किल था दोबारा मोनार्की में सीमित करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आने वाले थे फ्रांस के, तो यहां के जो राजा थे चार्ल्स 10, उन्होंने एक तरीके से शिफ्ट मारा कि लोगों का ध्यान ही भटका दो और लोग इतना ज्यादा क्रांति को अब तवज्जो ना दें, बदलाव को तवज्जो ना दें। तो फ्रांस ने यह बहाना लिया और अल्जीरिया पे इन्वेड कर दिया। और 1830 से लेकर 1903 तक 70 साल तक फ्रांस ने अपना दबदबा कायम किया। 70 साल लगे फ्रांस को पूरे अल्जीरिया को जीतने में, और उसके बाद ये काफी वक्त तक फ्रांस के पास रहा। 1962 में अल्टीमेटली अल्जीरिया जो है वो आजाद हुआ। अल्जीरिया की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा ब्लडी थी, बहुत खून बहा था उसमें। अब ये 70 सालों में फ्रांस ने पूरा बर्बाद कर दिया अल्जीरिया को, बर्बाद इन द सेंस की पूरी ट्राइब जो वहां पे थी एक एक करके मारा सबको। 5 से 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, आंकड़ा और भी ज्यादा है, एस्टिमेट्स तो यही बताते हैं, समझ रहे हैं। अब दोस्तों इससे पहले क्या था, इससे पहले ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है, 1956 आते आते ये पूरा का पूरा जो एरिया है साउथ तक ये इनके पास आ गया था, ठीक है। तो ये 1830 से आप देख सकते हैं पहले इस रीजन को, पहले 1830 में इस रीजन को इन्होंने इन्वेड किया, समझ रहे हैं, ये पूरा रीजन अपने पास लिया जिसमें कॉन्स्टेंटीन और ओरान सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद 1834 में ये पूरा, फिर 1837 में कॉन्स्टेंटीन को अपने पास लिया था, और ये फिर 1870-1900 आते आते हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा यहां तक का एरिया इनके पास आ गया, और अल्टीमेटली 1900 में तो सब कुछ इन्होंने अपने पास ले लिया। तो ये क्रोनोलॉजी है, आप देख लीजिएगा आराम से, समझ रहे हैं। अब इससे पहले क्या था, जब तक फ्रांस ने इन्वेड नहीं किया था, इससे पहले अल्जीरिया जो है वो ऑटोमन एम्पायर, द माइटू ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, और अल्जीरिया को पार्शियल इंडिपेंडेंस थी, मतलब भले ही वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता हो, ठीक है, लेकिन यहां पे जो रूल करते थे वो यही के ही ट्राइबल लीडर्स थे, तो अल्जीरिया को ऑटोनॉमी थी एक तरीके से। और ये 1515 से लेकर 1830 तक जब तक फ्रांस ने इन्वेड नहीं किया, ऑटोमन एम्पायर की फोर्सेस भी थी, क्योंकि अल्टीमेटली अल्जीरिया ऑटोमन्स के अंदर है, लेकिन फ्रांस ने हरा दिया, फ्रांस के पास जो वेपन्स थे, अब इस समय ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन पे भी था, समझ रहे हैं। तो 1515 से लेकर 1830 तक हम ये देखते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, और उसके बाद फिर फ्रांस ने इन्वेड किया, समझ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब इतनी सारी चीजें अल्जीरिया से ली है फ्रांस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, बहुत सारे मतलब गेहूं का इंपोर्ट हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, तो कर्जा बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अब आप इतनी सारी चीजें ले रहे हैं लेकिन आपको वापस भी देना है, और फ्रांस वाले वापस नहीं दे रहे थे, पैसा बहुत ज्यादा बकाया था अल्जीरिया का, अल्जीरिया प्रेशर बना रहा था फ्रांस की, इतनी सारी चीजें ले तो ली है लेकिन हमको वापस दो।
1827 में फ्रांस ने ब्लॉक कर दिया अल्जीरिया को। एक और भी उसका रीजन था दोस्तों, एक्चुअली था क्या, अल्जीरिया में यूरोपियंस का स्लेव ट्रेड होता था। क्या विश्वास करेंगे, आपने अक्सर अफ्रीकन्स को देखा होगा कि उनको एज अ स्लेव बेचा जाता, यहां पे यूरोपियंस को पकड़ के लाते थे। यहां के जो पायरेट्स थे, ठीक है, ये जो मेडिटेरेनियन रीजन पे ये पायरेट्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जिनको बर्बर बोला जाता था। बर्बर ट्राइब जो थी ये अल्जीरिया में रूल भी करती थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये यूरोपियंस को पकड़ के लाते थे और अल्जीरिया की स्लेव मार्केट में बेच देते थे, और इससे बड़ी दिक्कत होती थी। तो चार्ल्स टेन ने यह भी बोला कि हम इसको भी रोक देंगे, हम अब कोई भी यूरोपियन अल्जीरिया की स्लेव मार्केट में नहीं बिकेगा, समझ रहे हैं। तो यह भी होता था। तो भाई 1827 में ब्लॉकेड लगा दिया, और 1830 में एडमिरल डुपेरे ने 34,000 ट्रूप्स के साथ हो गए अल्जीरिया में, वेस्ट अल्जीरिया में उतरे। 27 किलोमीटर का पूरा एरिया है, और वहां पे खत्म कर दिया सबको। देखते ही देखते ऑटोमन एम्पायर की और जो अल्जीरियन फोर्सेस थी सबको खत्म कर दिया, और फ्रांस ने अब दस्तक दे दी अल्जीरिया में। ये हुआ, और बहुत लोगों की जाने गई, इसमें बहुत लोग मारे गए। अब उसके बाद एक बड़ा लीडर चाहिए। अब होती है फ्रांस के खूनी खेल की शुरुआत। फ्रांस ने एक एक करके अब अल्जीरिया के शहरों को जीतना शुरू किया। तो अब कैंपेन्स होती हैं। पहली कैंपेन हुई दोस्तों, ठीक है, पहली कैंपेन हुई है 1835 से लेकर 1837 तक चली। अब यहां पे जो ट्राइबल लीडर्स थे उन्होंने अब्दुल कादिर को अपना लीडर बनाया, जो ट्राइब्स थी यहां पे एल्डर्स थे, और अब्दुल कादिर को ये काम दिया गया कि तुमको जिहाद छेड़ना है, ये फ्रांसीसियों को भगाओ। लेकिन एक ट्रीटी साइन हो गई 1834 में, जब वो फ्रांस ने इन्वेट किया। फ्रांस की बड़ी सोची समझी साजिश थी, अगर आप किसी भी देश को जीत रहे हैं एकदम से अगर आप वहां मतलब सब कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, आप रूल ही नहीं कर सकते। तो फ्रांस ने क्या किया, धीमे धीमे ये करना शुरू किया। फ्रांस ने लोगों को आजादी दी, फ्रांस ने बोला कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपके पास आजादी, हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था, ये जो ट्रीटी साइन की थी कि इसमें अब्दुल कादिर के पास ज्यादा एरिया रहेगा और आप हमारे भी यहां पर रूल करिए, हम खाली बिजनेस करने आए हैं, लेकिन ये सब कुछ एक साजिश थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा 1840 आते आते फ्रांस ने सब कुछ किया, यहां पे घरों को जलाए, ठीक है, वहां के मस्जिदों को तोड़ा, सब कुछ, लोगों को मारा, सारी लिबर्टीज छीन ली, सारी फ्रीडम छीन ली। तो फ्रांस ने सारी चीजें की। अब इधर अब्दुल कादिर का मूड खराब हो रहा था। अब्दुल कादिर ने ट्रीटी को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन पीछे ही पीछे क्या कर रहा था अब्दुल कादिर, वो फ्रांस के खिलाफ युद्ध कर रहा था। तो छोटी छोटी बैटल्स हो रही थी यहां पे, और उसमें अब्दुल कादिर जीत रहा था। तो मूड खराब हुआ फ्रांसीसियों का कि ऐसा तो चलेगा नहीं, वरना तो हम तो गए काम से। तो कुछ बैटल्स होती है, इसमें बैटल ऑफ माघरेब में हम देखते हैं कि अल्टीमेटली फ्रांस ने अब्दुल कादिर को खदेड़ दिया। 1837 में रॉबर्ट बेग्यूट को बुलाया गया और बोला कि कुछ करो, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1837 में ही कॉन्स्टेंटीन पे कब्जा होता है, और उसके बाद अब्दुल कादिर का मूड खराब होता है, अब्दुल कादिर और युद्ध लड़ता है। लेकिन 1842 आते आते अब्दुल कादिर भागते हैं मोरक्को, क्योंकि फ्रांस पूरी तरीके से अल्जीरिया पे हावी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अब्दुल कादिर को खदेड़ दिया और वो भाग गए मोरक्को। अब हम ये देखते हैं कि मोरक्को चले गए, अब्दुल कादिर को वापस लाओ, फ्रांसीसी बोल रहे हैं इसने हमारा बड़ा नुकसान किया है। तो भैया अब अब्दुल कादिर को वापस लाना है, मोरक्को कह रहा है, उस समय अभी मैंने बताया ना माघरेब रीजन में ये मोरक्को भी आता था, मोरक्को में उस समय सल्तनत थी, तो मोरक्को दे नहीं रहे थे अब्दुल कादिर को। मोरक्कन वॉर हो गई, फ्रांस मोरक्कन वॉर हो गई, फ्रांस और मोरक्को के बीच में युद्ध हो गया 1845 में, अगस्त 1845 में, 1844 में सॉरी, ठीक है, 11 दिन तक चला ये, 6 से 17 अगस्त तक। फिर अब्दुल कादिर आए वापस, बड़ी दिक्कत है ना। तो ये सब कुछ और सारी पावर्स उनसे छीन ली गई, फ्रांस के पास सब कुछ आ गया, और फ्रांस ने यहां पे धीमे धीमे करके लोगों को भी बुलाया अपने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ, और एक तरीके से अल्जीरियंस को सेकेंड सिटीजन बना दिया। यहां पे जो ट्राइब्स थी एक एक करके मारा, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी दोस्तों ये अपनाते थे, समझ रहे हैं, इन्होंने गोली भी नहीं चलाई, लेकिन उसके बावजूद जो गांव जले इन सब में, सब खत्म हो गए, लूटपाट मचाई, लोगों को मारा, रेप किए, गांव को जलाया, और कम से कम 5 से 10 लाख लोग निपट गए इसमें। 1848 आते आते अब अल कादिर ने सरेंडर कर दिया फ्रांस को,
और उसके बाद वो एग्जाइल में चले गए, मिडिल ईस्ट भाग गए, ठीक है। 1881 में अब्दुल अल कादिर की डेथ हुई, तो ये सब। अब 1850 के बाद दोस्तों एक एक करके कैंपेन्स होती हैं फ्रांस की। इसमें सबसे बेहतरीन दोस्तों ये 1857 की कबायली जो वहां पे ट्राइब थी, इसमें एक लेडी रूलर थी, समझ रहे हैं, और उसने क्या बहादुरी दिखाई थी। अल्टीमेटली उसको पकड़ा, जेल में डाला, टॉर्चर किया, उसकी मौत हुई, लेकिन उसने कमाल की बहादुरी फ्रांसीसियों के खिलाफ दिखाई थी, लला फातिमा सोमर। 1854 में वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई, समझ रहे हैं, फ्रांसीसियों के खिलाफ इनको मार के भगाएंगे। लेकिन 1857 आते आते जब ये कैंपेन कबाइलियों की बहुत ज्यादा तेज हुई और फ्रांसीसी के काम में रुकावट आई, फ्रांसीसियों के काम में, तो उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया और 1857 में कबाइलों को हराया। हालांकि हम देखते हैं कि ये कबाइली बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए थे, 1903 तक ये जो है रिवोल्ट करते रहे थे। फिर 1871 में एल मकरानी कैंपेन हुई, इसमें बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई, समझ रहे हैं, कुछ 219 220 ट्राइब्स थी वो इनके खिलाफ खड़ी होगी, फ्रांसीसियों के खिलाफ, कि हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। लेकिन अल्टीमेटली फ्रांस का अपर हैंड था, क्योंकि उनके जो वेपन्स थे बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज थे। भारत में क्या हो रहा है इस समय, भारत में भी 1857 की क्रांति हुई है, भारत में भी बड़ी दिक्कत है, समझ रहे हैं। सहारा को जीता इन्होंने 1881 से लेकर 1902 तक, वहां पे एक एक ट्राइब को खत्म किया। और अल्टीमेटली हम देखते हैं 1903 आते आते साउथ और अनीस कैंपेन की, और पूरा अल्जीरिया 1903 तक इनके कब्जे में आ गया, समझ गए। अब उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो अल्जीरिया में वापस फ्रांस ने आधिपत्य जमाने की कोशिश की, लेकिन ये हुआ नहीं। तो 1954 से लेकर 1962 तक ये अल्जीरिया का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला और ये बहुत ही ब्लडी बैटल थी। और 1962 में अल्जीरिया ने फिर इंडिपेंडेंस हासिल की। वन पार्टी सिस्टम है, हालांकि अल्जीरिया में जो अभी राज है वहां डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, तो वन पार्टी डिक्टेटरशिप है, वो मिलिट्री रूल करती है और 20 साल से वहां पे एक ही प्रेसिडेंट है, समझ रहे। तो ये अभी जो स्टेटस है वो अल्जीरिया का है, और 4 करोड़ 4.5 करोड़ की खाली पॉपुलेशन है अल्जीरिया की। तो ये फ्रांसीसियों ने किया। अब ये जो 70 साल इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की, इसमें बहुत लोग मारे गए, इन्होंने ट्राइब्स को खत्म कर दिया, ठीक है। स्कॉर्ज्ड अर्थ पॉलिसी, जो भी दुश्मन के काम आए उसको जला दो, इसमें काफी गांव जलाए, लोगों को मारा। एक समय तो ऐसा हुआ था कि यहां पे दोस्तों 500 से 700 ये ओल्ड रुहिया ट्राइब थी, ठीक है। एक जब ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे तो ये एक गुफा में छुप गए, ठीक है, पूरे इर्द गिर्द एरिया में आग लगा दी गई, 500 से 700 लोग मर गए इसमें, ठीक है, गुफा में थे, दम घुटने से मर गए धुएं के कारण। तो यहां पे बहुत लोग थे, यहां पे औरतें थे, बच्चे थे, फ्रांसीसियों ने सबको मारा और काफी लोगों की जाने गई। अब उन्होंने तो बोला कि हमको जो करना था किया, लेकिन ये एक जेनोसाइड है, इतने लोगों को मारना ये एक जेनोसाइड है। तो देख लीजिए पावर के लालच में, ताकत के लालच में लोग क्या क्या करते हैं, इंसानियत को भी भूल जाते हैं। और वर्ल्ड वॉर टू में फ्रांस ने जो दुनिया के साथ किया था वही उसको मिला। हालांकि आपको एक और चीज बता दूं, रेवोल्यूशन जब आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रांस में कई बार मोनार्की स्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक बार अगर आपको आजादी का चस्का लग गया गए काम से, फिर तो आप आजादी ही लेंगे, छीन के लेंगे आजादी। तो या फ्रांस में भी यही हो रहा था, फ्रांस में बहुत बार रेवोल्यूशन, छोटे कभी छोटे छोटे पैमाने पर, कभी बहुत बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशन आते हैं, मतलब काफी बार क्रांतियां हुई हैं, कि मोनार्की तो नहीं स्टैब्लिश होने देंगे, समझ रहे। तो ये चीज हुई, ये था दोस्तों पैसिफिकेशन ऑफ अल्जीरिया, या फिर अल्जीरियन जेनोसाइड जिसको हम कहेंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता